अमरनाथ जी संगठन मंत्री है, डिस्ट्रिक्ट रूरल के होकर जम्मू से आई हुई सारी टीम, कठुआ के जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट रूरल के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं और उनके साथ साथ यहाँ आए हुए सभी माताओं का बहनों, आम आदमी पार्टी हरिश्चंद्र सिंह जी यशपाल कुंडल जी, हम सब आम आदमी पार्टी। ये हरिश्चंद्र सिंह जी अपनी पूरी टीम को आशीर्वाद देते हुए, जिनके ऊपर हरिश्चंद्र सिंह जी का हाथ रहा, दुनिया में किसी की ताकत नहीं है तो उसको गिराया जाए। यशपाल कुंडल जी, आर्डर कटिया उन्हें आख्या राजना पूरा तंड किट्ठा कर लेगा, पैसा दे नहीं रहा कोई भी, पर मैं तुम्हें एक गल सुनानी आ, तेरा बापू जिला मरी आ है ना, ते कबर बिच नुहाड़े मुंह च इक रुपया पाया ओ ले लई, उन्हें कबर पुटी ते रुपया लेता, राजे ने पूछा भाई ये कुत्थू लियांदा, उन्हें आख्या भाई इ'यां गल है, उन्हें आख्या इसको अंदर दे दो और कबर पुटाना शुरू कर दो, जिल्लै लास्ट च लगा मरन उसी पता लगा मैंने तो बहुत बड़ा पाप किया है, कुसे स्याने पुछिया ते भाई नाड़ी मेरी गति कियां होंदी है, उन्हें क्या तू बीजेपी ज्वाइन कर ले ते जिन्ने पाप कीते सारे दूर हो जाए। ये जेड़े लोग ने जेड़े जेड़े पापी ने सारे उठे जा रहे, उन्हें एक मशीन रखी दी इतना कट दे, ये सुचा मुचा दे ये ठीक है, सारे क्रमिक सारे बेईमान आज वहां जा रहे हैं जो सही है। जे मैं आज ऐलान करना चाहता हूँ, जे महाभारत की जंग है, जे पांडु और कौरवों की जंग है, पांडु पांच थे लेकिन जीत उनकी हुई, जे जितने मर्जी किटे होने दो, इन्होंने हमारी स्टेट का बेड़ा गर्क किया है। महाराजा हरि सिंह ने, महाराजा गुलाब सिंह ने 75 लाख को हमारी स्टेट को खरीदा था, आज हमारी स्टेट के दो टुकड़े कर दिए, हमारे उसके नामों निशान मिटा दिया, हमें झूठी बना दिया, आज बाहर से जो ब्यूरोक्रेट आ रहे हैं हमारी स्टेट को लूट कर जा रहे हैं। लेकिन मेरा नाम सविता देवी है, मेरे 2010 दे विच मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, फिर सारा जम्मू में घूमया, वकीला ने मेरा केस नहीं सॉल्व किया, मेरा कोई दुआनी का मोल नहीं, वो एक साहब ने मेरी एक बार डेथ हो गई है मेरी मेरे बंदे दे नाल, मैं दूजी जिंदगी शुरू की है पंजाब दे विच जाके, हूँ इन्ने साल बाद मैनू मौका मिलया है कि मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर, जेडी के सच्ची और सुची पार्टी इकाई है समाज दे विच, मैं इहदा साथ दूंगी, और हाँ कल की मेरे जैसी जड़ी जनानियां ने मैं सारे का साथ देने जोगी बनागी, मैं इस करके हसदेव अगे विनती करनी हूँ कि सारे जनानियां का इस तरह सादा साथ देंदे रहना, जो भी असी किसी भी भैन धी दी कोई तुहाडे कोल लै के गई है मंग तो कल की पूरी करनी है, और पार्टी जताना असी पूरी सहयोग देंगे, पूरा बसोली जिले बनी बसोली तहसील, बनी तहसील बिलावर तहसील, पूरी जगह में 4-5 महीने हो गए डोर टू डोर कंपेन पूरी ज्वाइनिंग, बहुत मतलब कोशिश की थी जितनी मेरी देर तक हो सकती थी, अगे तो भी करांगी जितना तक पार्टी नहीं बनी, बनने तक मैं पूरा सहयोग देंगी। भारत माता की जय। कार्यक्रम हुआ इसके बारे में लोगों को क्या संदेश दोगे आप? देखिए एक शुरुआत है यहाँ आम आदमी पार्टी की जी, अच्छे तरीके से जो यहाँ की टीम है हमारी बुलावर की, कठुआ की, राजकुमार जी की अध्यक्षता में उन्होंने प्रोग्राम किया है, प्रकाश सिंह जी हैं, दिनूचंद जी हैं, दूसरे नौजवान साथी हैं हमारे, विक्रांत हैं, नूर मोहम्मद जी हैं, दूसरे वानी साहब हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है जी, और मैसेज लोगों को एक यही है जी कि अब आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी ही एकमात्र विकल्प है,
लोगों की समस्याएं जो हैं वो पिछले 8 वर्षों से जू की तू है जी। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे लोगों के साथ किए, बड़े बड़े लारे दिए, लेकिन लोगों को कुछ भी हासिल नहीं हो सका। आज हालात ये हैं कि बुनियादी सुविधाओं के लिए भी लोग जो है उनसे भी वंचित किया हुआ है। लोगों को बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, स्कूलों की समस्या है, स्टाफ नहीं है स्कूलों के अंदर, डिस्पेंसरियों की समस्या है, सड़कों की समस्या है। ये समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और एकमात्र हल जो है, एकमात्र रोशनी की किरण लोगों को आम आदमी पार्टी में ही नज़र आ रही है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सभाओं में आ रहे हैं और अपना विश्वास आम आदमी पार्टी में जिता रहे हैं। हम इन लोगों से यही कहना चाहते हैं कि पूरा आपकी जो मुश्किलातें हैं उनके ऊपर और आपकी जो अपेक्षाएं हैं आम आदमी पार्टी से उनके ऊपर खरा उतरेगी आने वाले वक्त में। अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो ये जो मुश्किलातें हैं बिजली की, पानी की, स्कूलों की, इनका सबसे पहले समाधान किया जाएगा और नौजवानों की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर भी हमदर्दाना गौर किया जाएगा। जो डेली वेजर्स हैं, जो दूसरे सड़कों के ऊपर आज बैठे हुए हैं नौजवान, उनकी रेगुलराइजेशन की भी एक पॉलिसी बनाई जाएगी ताकि इन नौजवानों को भी